नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डाल लेते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस बात पर प्रकाश डाल लें। सबसे पहले इनकी ये उंगली और कनिष्ठा की ये उंगली पूरी पूरी सूर्य पर्व तक पहुँच गई। बहुत अच्छा टावर है, बहुत सही प्रकार से खड़ी हुई है। बीच का ये गैप व्यापारी दक्षता के लिए उत्तम माना जाता है, नौकरी दक्षता के लिए अच्छा माना जाता है, साथ ही साथ विशिष्टता के लिए अच्छा माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति बड़े करीने हैं, बड़े तरीके से बड़ी सुंदरता के साथ अपना जीवन यापन करने की प्रयास करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके दूसरी उंगली के लिए। दूसरी की उंगली सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली के अंदर ये इस तरह के जो कटाक बने हुए हैं, जो यहाँ ये देखें, ये अपने आप में जो यहाँ छोटे 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 क्रॉस इस तरह से बने हुए हैं, ये जीवन में अड़चनों के चिन्ह माने जाते हैं। यदि मैं कहूँ तो टावर बहुत अच्छा है, परंतु साथ ही साथ में जब इस तरह की रेखाएं जब काटती हैं तो जीवन में ऊंचाइयों में कई बार रुकावटों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। साथ ही साथ ये जो गैप बीच में बना हुआ है, ये इस बात को दर्शाता है कि आपके परिवार वालों से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, या आपको पारिवारिक संपत्ति के अंदर एक तरह का विवादों का सामना करना पड़ेगा। तो ये अपने आपका बीच का गैप, ये अच्छा गैप नहीं कहलाता है। ऐसा व्यक्ति परिवार वालों से मिलकर जुलकर के नहीं चल पाता। आइए बात कर लेते हैं आपकी दूसरे तीसरी उंगली। ये शनि की उंगली पूरी तरीके से कड़ी हुई है, साथ ही साथ इसके अंदर भी ये स्क्रेचिज रेखाएं और नीचे का एक बड़ा गैप, ये इस बात को दर्शाता है कि आपको जीवन में मोटे धन का नुकसान अवश्य आपको जीवन में सहन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यदि मैं शनि की ढैया और साढ़े साथी की बात करूं, तो उस पर शनि कुंडली का अच्छा है, आपको इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी कि शनि की ढैया शनि की साढ़े साथी में कोई विशेष नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। स्वास्थ्य के हिसाब से देखो तो अभी यहाँ अनुकूल स्थिति है, थोड़ा ये रेखा है तो कुछ ना कुछ रेखा रोग अवश्य शरीर के अंदर बने रहते हैं। आइए बात कर लें बृहस्पति की उंगली। बिल्कुल एकदम सीधी तन करके खड़ी हुई है, शनि की तरफ झुकाव नहीं है। जब इस तरह की तनी हुई उंगली ऊपर खड़ी होती है, साथ में ये स्क्रेचिज रेखाएं होती हैं, तो अपने आप में अपना अभिमान समझ लीजिए, अपना स्वाभिमान समझ लीजिए, जिस कारण से ऐसा व्यक्ति लेबर वालों को ज़्यादा अपने मुँह नहीं लगाता है और स्वयं में एक अहम होता है कि मैं कुछ हूँ। तो इस तरह का यहाँ ये उंगली है, तो मैं कुछ का अभिमान इनके अंदर है। चलिए बात हो गई इनके इस उंगलियों की, अब बात कर लेते हैं इनके पर्व की। प्रथम पर्व यहाँ बुध का पर्व, और बुध पर ये खड़ी हुई रेखाएं, यहाँ पर्व भी अनुकूल है। अगर मैं देखूँ तो कोई विशेष उठा हुआ नहीं है, तो धन के आगमन पैदा करने में ये स्वयं समर्थित हैं और इनको बस धन के आगमन भी इनके पास में बने रहते हैं। तो यहाँ धन के आगमन इनके पास हैं, इसमें कोई भी दोरा नहीं है, तो धन के आगमन इनके पास बने रहेंगे। और यहाँ ये अच्छा संकेत यहाँ देखने के लिए मिला। इनका एक सवाल यहाँ पर मैं साथ के साथ देता भी चलता हूँ। इन्होंने पूछा है कि संतान का सुख मिलेगा, तो जब मैं इनकी हाथ पे मैं जिधर देख रहा हूँ जहाँ संतान की रेखाएँ होती हैं, वहाँ का इस फोटो ज़्यादा अच्छा आया नहीं है, तो उससे यहाँ पर कुछ संतान रेखाओं को मैं अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इनको संतान का सुख यहाँ से, यानी कि संतान का सुख अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे यहाँ से लगता है, लेकिन इधर मुझको संतान सुख की रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं, तो मुझे यहाँ से कुछ यहाँ से अच्छी तरीके से फोटो नहीं था। इसलिए अगर संतान ना हुई हो तो यहाँ पर दिखाई देता कि हाँ संतान का सुख यहाँ पर नहीं मुझको दिखता। चलिए बात हो गई आपकी इस बात को, यहाँ मैंने पढ़ लिया। अब मैं बात करता हूँ आपके दूसरे पर्व की। इसको कहते हैं सूर्य का पर्व। आपकी एज 38 की है और ये सूर्य का पर्व, और ये सीधी रेखा खड़ी हुई, निश्चित रूप से ये गारंटिड चिन्ह था। और आपका बृहस्पति पर्व भी अनुकूल था, यदि आपने अपने समय पर सही रूप से गवर्नमेंट के जॉब की तैयारी की होगी तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट के जॉब आपको निश्चित रूप से मिलते। साथ ही साथ अगर पीछे नीचे की तरफ जा करके देखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से निकलती हुई आपकी रेखा, जो एक बारीक सी रेखा जाकर के सूर्य में वेग भी पहुंचाती है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करे
तो उसकी दूसरी बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मिलने के पूरे पूरे आपके पास संकेत थे। तो यदि मिल गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली हो तो आपने तैयारी ही नहीं की होगी। अब बात कर लेते हैं आपके एक और सवाल की। आपने पूछा क्या मैं कुकिंग प्रोफेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल आपका कर सकती हूँ, तो आपका कुकिंग प्रोफेशन 101% कर सकती हो, और उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक। ऐसी लेडीज यदि सोने चांदी का काम करे, गोल्ड का काम करे, ज्वेलरी का काम करे, नगों का काम करे, कुकिंग का काम करे, अग्नि से संबंधित कार्य करे और सरकार से संबंधित कार्य करे, तो बहुत ऊंचाई तक जाती है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका 101% ये काम आप करें तो बहुत ऊंचाई तक, बहुत ऊंचे लेवल तक आप जाएंगी। तो ये आपका यहाँ पर, ये आपकी सूर्य रेखा ने एक सवाल भी मैं आपका यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। चलिए बात कर लेते हैं आगे की, बात कर लें आपकी, यहाँ बात कर लेते हैं आपके एक अलग पर्व की, जिसको बोल देते हैं शनि पर्व। शनि पर्व आधा उठा हुआ है, आधा कुछ दबा हुआ है, ऊपर एक छोटी सी मछली यहाँ इधर बन रही है, इधर यहाँ पर देखिए, इधर बहुत छोटी सी मछली बनी हुई है एकदम, है नहीं? ये एकदम छोटी सी मछली, ये छोटी मछली यहाँ पर बनी हुई है और ऊपर की तरफ ये देख रही है। जब इस तरह की मछली और साथ में ये सपोर्टिंग रेखाएं मिलती हैं, तो ऐसी महिला अपने जीवन में स्वयं की मेहनत से बहुत उच्चतम स्तर तक धन कमाती है। तो यहाँ एक प्रकार की ये भी मिली। एक रेखा मैं और देखता चलता हूँ आपकी, ये देखिए आपकी जो यहाँ एजुकेशन रेखा है, ये दो एजुकेशन रेखाएं आपके हाथ से निकल रही हैं। इसका मतलब कोई भी दो ऐसी विधा हैं आपके पास में जिनमें आप एक्सपर्ट हैं, तो दो विधा बिल्कुल एक्सपर्ट यहाँ पर रेखाएं आपके हाथ के अंदर भी निकलती हुई। तो शनि पर भी आपका अनुकूल, धन की भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर दिखलाई पड़ती है, लेकिन ऊपर की उंगली के अंदर स्क्रैचित रेखा की थी, तो मैंने कहा था कि ऐसी और जो लेडीज है जिसके हाथ में ये चिन्ह मिलते हैं, तो उनको मोटा धन लॉस भी सहना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके तीसरे पर्व की, इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, उस पर भी ऊपर उंगलियों पर स्केचेज मैंने आपको बताए थे, और यहाँ अगर मैं पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ पर्व आपका बृहस्पति का जो पर्व है, ये भी यहाँ पर अनुकूल स्थिति में खड़ा हुआ है, तो खड़ी हुई रेखाएँ भी यहाँ पर हैं, तो आप अपने जीवन में स्वयं की मेहनत से आप मकान भी बनाएंगी, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। तो ये एक अच्छी तरह की यहाँ पर रेखाएँ, ईश्वर भक्ति भी है, तो ये आपके पास में यहाँ पर अच्छा अनुकूल पर्वत नजर आया। आइए बात कर लें आपके, ये आपकी यहाँ से आपकी विवाह रेखा को हम पढ़ते हैं, और ये यहाँ पर ये विवाह रेखा जाकर के बृहस्पति पर्व को पहुँच गई। अब यहाँ आपके हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति तो नहीं थी, लेकिन यहाँ से कुछ रेखाएँ ये काट रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ, अगर मैं इनकी बात करूं कि भाई यहाँ अगर बात करें कि भाई इस बात को देखें कि क्या पति के साथ कैसे संबंध है, देखिए बहुत मुझे कोई इतने ज़्यादा ख़राब नहीं लगते, बस आप ये समझिए वाद विवाद तक की स्थिति को ही मैं इसमें कह सकता हूँ। और यहाँ इस पर जितनी रेखाएं मुझे चमक रही हैं उसके अनुसार एक रेखा ये यहाँ पर काट रही है, तो ये वाद विवाद की रेखाएँ हैं। तो यहाँ इस तरह की रेखा जिस तरह आपके फ़ोटो है उससे मुझे यहाँ पर नज़र आई है। तो यहाँ आप दिमाग से, मस्तिष्क से, मंगल से निकलती हुई रेखाएँ जहाँ आपको साहस देती हैं, वहीं साथ के साथ आपको उन्नति भी देती हैं और धन भी देती हैं, कुछ पति के साथ में वैचारिक मतभेद भी देती हैं। तो ये पति सुख के बारे में बात है, मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं आपका अपने घर की, तो आइए उससे चलिए मैं पहले आपके अपने घर के बारे में बतावत कर लेता हूँ। इस समय आपकी 38 साल की एज है, और 38 साल में अगर आपके यहाँ नज़दीक जाएं, ये यहाँ पर 35-38, ये सूर्य पर यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ पर आपके हाथ से देखने में लगता है कि लगभग 42 में लेकर 48 वर्ष के बीच में आपका अपना मकान होगा। 42 से 48 के बीच में आपका मकान का यहाँ पर योग दिखाई देता है, तो आपका मकान बनेगा निश्चित रूप से, इसमें भी कोई दो रहा नहीं है। चलिए ये आपके हाथ होगी। अब मैं मस्तिष्क रेखा की बात करता हूँ। मस्तिष्क रेखा
यहाँ जाकर के कुछ दूरी के बाद में शुरू हुई है, यानी जो शुरू होती है वो लगभग जड़ से शुरू होती है और यहाँ ये यहाँ से शुरू होकर के और जाकर चंद्र पर्वत को पहुँच जाती है। अपने दिमाग से, अपनी योजनाओं से, यहाँ नहीं देश विदेश तक भी आपकी योजनाएं कार्यान्वित होंगी, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है, यह मस्तिष्क रेखा है। लेकिन ये कुछ दूर से शुरू हुई है, तो ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा, या कहिए कि ऐसी लेडीज की जो ऊर्जा है, जो काम दिमाग काम करता है, वो योजनाओं में कुछ देर से करता है और बड़ी ऊंचाई के साथ करता है, बहुत दूरी तक जाता है। तो बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा भी आपके पास में विराजमान है। तो चलिए, मस्तिष्क रेखा भी आपकी हो गई। अब मैं बात कर, आपने पूछा क्या मुझको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर मैं हेल्थ प्रॉब्लम की बात करूं, तो यहाँ पर जो ये चंद्र पर्वत की रेखाएं हैं, ये इस तरह से निकलती हुई रेखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ रही है, और साथ ही साथ केतु के साथ संबंध बना हुआ है। जब जब केतु स्थान के साथ शुक्र संबंध बना रहता है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो स्त्री रोग होते हैं, स्त्री रोग जो होते हैं, उनसे संबंधित मुझको यहाँ रोग दिखलाई पड़ते हैं। वैसे मुझे कोई बहुत मोटे रोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो और साथ ही साथ चंद्र पर्वत पीड़ित है, तो कुछ मानसिक चिंताएं। तो चलिए, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब बात हो गई आपकी यहाँ पर एक हेल्थ प्रॉब्लम की बात। आपने क्या कहा कि हमें फॉरेन ट्रेवल्स है, बिल्कुल केतु स्थान से निकल करके ये जो यहाँ पर रेखा गई है नीचे, और इसका केतु से संबंध बन करके और ऊपर भाग्य स्थान तक मस्तिष्क रेखा के साथ में इसका जुड़ाव है। तो ये बात निश्चित हो गई है कि आप फॉरेन ट्रेवल करेंगे। ये इसमें यहाँ पर ये दर्शाती हुई आपकी हाथ की रेखा, जो आपको फॉरेन ट्रेवल्स भी करा देगी, और हो सकता है कि आप अपने काम से संबंधित ही योजनाओं को बताने के लिए, या किसी तरह से कार्यान्वित करने के लिए, या किसी तरीके से भी लाभ कमाने के लिए आप निश्चित रूप से वहाँ पर जुड़ेंगी। ये मस्तिष्क रेखा ने भी बता दिया और साथ के साथ इस केतु वाली रेखा ने भी बता दिया। तो फॉरेन ट्रेवल आपको निश्चित रूप से है। अब बात करते थे ससुराल से प्रॉपर्टी की। शुक्र पर्वत इस बात को तय करेगा। यहाँ यदि मैं आपकी शुक्र पर्वत की इसको बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये रेखाएं बहुत सारी मंगल रेखाएं निकल करके ऊपर धन पर्वत तक गई हैं, लेकिन शुक्र पर्वत से निकलती हुई रेखाएं आयु रेखा को बहुत ज़्यादा छू रही हैं। जब शुक्र पर्वत से निकलती हुई रेखाएं जो ज़्यादा छूती हैं, तो यहाँ इस बात को तय करती हैं कि आपके पास लग्जरियस जीवन कितना, बहुत बेहतरीन लग्जीरियस जीवन यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पास में। तो लग्जीरियस जीवन है, ससुराल से निकलती है, शुक्र से एक रेखा निकलती है, वो शुक्र से निकलती हुई रेखा मुझे जो है दिखलाई नहीं पड़ रही है। ससुराल से संबंधित अगर संपत्ति का है, तो विवाद मिलेगा, क्योंकि ऊपर भी मैंने गैप बताया था सूर्य के बीच में और शनि की उंगली के बीच में, तो यहाँ विवाद है। मुझे बहुत कम चांस लगते हैं कि आपको ससुराल से प्रॉपर्टी बहुत आसानी के साथ नहीं मिलेगी। ज़्यादातर तो मिलने के चांस ही नहीं लग रहे हैं, अगर मिलेगी तो बहुत ज़्यादा विवादों के बाद मिल सकती है। चलिए, प्रॉपर्टी का सुख मैंने बताई दिया आपको कि आप अपने जीवन में मकान बना जाएंगी, मकान 42 से 48 वर्ष के बीच में, वो प्रॉपर्टी का सुख आपके पास है। कुल मिला के ओवरऑल यदि मैं साथ को कहूँ, तो ये कोई बहुत बुरा हाथ नहीं है, ये कुल मिलाकर के अच्छा ही हाथ मैं कह सकता हूँ। बस मुझे संतान रेखाएं जरूर यहाँ पर नज़र नहीं आई थी अच्छी तरीके से, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा सा जरूर कहूँगा कि यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई संतान से संबंधित परेशानी आपके जीवन में हो। तो यहाँ एक ये मुझे सिंबल अच्छा नहीं मिला था, संतान सुख वाला। बाकी तो सब रेखाएं मुझको लगभग जीवन में संघर्ष सबके होता है, ये इतनी सारी रेखाएं स्थान परिवर्तन के लिए, ट्रांसफर के लिए, और भाग्य में बार बार परेशानियों के लिए, मानसिक चिंताओं के लिए ये इतनी सारी रेखाएं हैं। अब आपने कहा मैं कौन सा रत्न पहनूं जिससे मुझे तरक्की मिले, उन्नति मिले, मेरा कौन सा रत्न बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो रत्न बनता है वो यहाँ पर मूंगा बनता है। ये आपको सोने में या तांबे में बनवा करके पहन लेना चाहिए। अगर हो सके तो इसे आप सोने में पहन लीजिए। अगर आपको बेहतरीन रत्न मिलता है, तो स्वयं से लेकर के बनवा लीजिए, वरना आप हमसे भी संपर्क करके हम आपको बेहतरीन मूंगे दिखला सकते हैं और आपको पहुंचा भी सकते हैं। तो एक तो ये करना है,
साथ ही साथ आप दुर्गा सप्तशती में जाकर के देवी कवच होता है उसको नित्य पढ़े, वो आपके सभी जो जो बाधाएं रेखाएं जो दिखाई देती हैं मंगल से निकलती हुई, इन सभी बाधाओं को दूर करके आपको प्रगति प्रमोशन और तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगी। और साथ ही साथ यदि संतान से संबंधित प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप स्वयं सवा लाख करना पड़ेगा, ठाकुर जी की स्थापना करनी पड़ेगी और साथ ही साथ वृंदावन में जा करके आपको जो है वहाँ कम से कम 21 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। यदि संतान सुख में कमी है तो वहीं से आपकी पूर्णा होगी, यानी अब द्वारकाधीश के दर्शन करके आए और साथ ही साथ वहाँ 21 परिक्रमाओं का संकल्प लेकर के आए कि मैं पूरी के संपन्न करूँगी और उसके बाद संतान सुख का भी आपको प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।